नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। शुरुआत में दो विषय इस कथा से प्रेरित हो करके आप लोग किसी के पास नहीं जाएंगे कि ये विद्या आपको सिखा दे, कोई ये विद्या किसी को नहीं सिखाता है जल्दी। दूसरा, वीडियो में जो बाबा दिख रहे हैं और जो मैं कथा कहने जा रहा हूँ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप लोग इन बाबा को भी खोज करके परकाय प्रवेश सीखने की कोशिश ना करें। शुरुआत हुई एक मंदिर के स्थापना से। एक गांव में काली भगवती का स्थापना होना था, तो क्योंकि हम भी काली भैरव के साधक हैं तो हमें बुलाया गया उस साधना के लिए। भगवती काली की जब स्थापना होती है तांत्रिक विधान से, तो किसी एक पंडित, किसी एक तांत्रिक, किसी एक अघोरी के बूते की बात नहीं होती है कि पूर्ण रूप में उनको वहाँ पर स्थापित करते। तो बहुत सिद्ध और साधु लगते हैं वहाँ पर, सबको बुलाया जाता है, भंडारा होता है, मंत्र जाप होता है, हवन होता है। तो ऐसे ही मैं एक संत के साथ, एक ऐसे संत जिनको मैं मानता था क्योंकि उनका जो आचार व्यवहार विचार जो था मेरी तरह नहीं था, एक अच्छे संत की तरह था तो उनके साथ मैं घूम रहा था। तो सैकड़ों क्योंकि साधु आए हुए थे, तो अलग अलग तरीके के साधु थे। आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा है कि साधु कैसे बैठते हैं, तो चश्मा लगा के, रुद्राक्ष का कुछ कुछ बना करके, तो मैं क्रिटिसिज्म पहले मैं बहुत करता था। किसी भी चीज़ को देख के मुंह बनाना, उसका उसकी गलती निकालना, ये मेरी आदत थी। तो मैंने बोला, अरे ये क्या साधु हैं, ये तो पक्का फ्रॉड होगा, देखो ये चश्मा लगा करके शिवलिंग बना लिया है एक रुद्राक्ष का और इंतज़ार कर रहा है कि लोग इसका फैंसी ड्रेस देख करके और इनको पैसे दे। तो हमारे साथ जो महात्मा थे वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला, देखो इतना जल्दी किसी के प्रति जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें कथा बताता हूं। एक वृद्ध साधु के साथ, क्योंकि अब दो साधक आ गए, चलो दो एक नाम रख लेते हैं। जो वृद्ध साधक है उनका नाम है कायाराम, और जो कथा सुना रहे हैं उनका नाम है सहायक नाथ जी। तो सहायक नाथ जी कायाराम जी के साथ कहीं भ्रमण कर रहे थे और काफी उनकी सेवा करते थे। दोनों अलग अलग पंथ से थे लेकिन दोनों में प्रेम भाव बहुत ज्यादा था। तो कुछ कुछ कायाराम जी सहायक राम नाथ जी को सिखाते रहते थे। बहुत भ्रमण के बाद ऐसा लगने लगा कि अब कायाराम जी जो है वो इस शरीर को त्याग देंगे और शिवलोक गमन करेंगे, और उनके बाद व्यवहार से ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी प्रकार की उन्होंने इस जीवन में सिद्धि प्राप्त की हो। बड़े मस्त मौला मिजाज के इंसान थे, खाया पिया मस्त रहा, बहुत भगवान की बात नहीं की, थोड़ा बहुत क्रिया किया और उसी में आनंदित रहते थे। एक दिन ये लोग जंगल की तरफ निकल गए और सहायक नाथ जी को उन्होंने बोला कि आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूं। तो सहायक नाथ जी बड़े उदास हो गए, उन्होंने बोला, गुरु जी ऐसी क्या गलती हुई हमसे? बोले, गलती नहीं हुआ, आज तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और इनको लेकर के एक नदी के तीर पर चले गए। सिद्ध अघोरी क्या होता है, उन्होंने बताया कि आज अभी से कुछ 2 घंटे बाद यहां पर एक युवा का शव जो है वो दफनाया जाएगा और मैं तुमको एक विधान दिखाऊंगा। और जब ये बैठे थे
तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से बीड़ी और तंबाकू के सेवन से उनका गला वैसा हो गया है कि अंदर पानी भी नहीं जाता है, शरीर जर्जर स्थिति में आ गई है। तो सहायक नाथ जी को लग रहा था कि अब लगता है कि ये शरीर छोड़ने से पहले सब विद्या उनको देना चाह रहे हैं। तभी तो सब साधना तो बहुत उत्कृष्ट साधना होती है। सहायक नाथ जी बैठे हुए कि चलो कायाराम जी कुछ अच्छा हमें साधना आज देंगे, लग रहा है मरने से पहले, और बात भी मरने ही की हो रही थी। तो ये और तो मन में लड्डू फूटे वाली बात थी। सामने से तो ये था कि गुरु जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी था कि चलो अब हमें शक्तियां मिल जाएंगी ज्ञान देने के लिए। आज गुरु में फाइनली इतने दिन की जो तपस्या थी वो पूर्ण हो गई। फिर वो बैठे, उन्होंने समझाया कि देखो काया का कोई मतलब नहीं है, ये छूट जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है। पेशेंटली नाथ जी इस विषय को सीख रहे थे, सुन रहे थे। फिर उन्होंने दो डिब्बियां निकाली, कायाराम जी ने। एक डिब्बी में उन्होंने 5 सोने के सिक्के, 2 सोने की सुई रखी थी, और दूसरा जो डब्बा था उसमें जो आम सिक्के चलते हैं वो सीख रखी हुई थी, वो सिक्के रखे हुए थे, और 2 लोहे के कांट थी, बहुत पतली बारीक काटी। तो थोड़ा और प्रसन्न हुए नाथ जी कि लगता है कि गुरुदेव जाने से पहले जो धन अर्जित कर रखा है वो भी मुझे दे के जाएंगे। और फिर उन्होंने अपना पोटली खोला, उससे हिरण के चमड़े का जो रस्सी बनता है, जिन लोगों का यज्ञोपवीत हुआ होगा उनको पता है कि जनेऊ मिलने से पहले हिरण के चमड़े का जनेऊ बनाया जाता है, तो वैसा उन्होंने एक लंबा धागा निकाला। तो अब इनको लगा अच्छा और कोई साधना भी लगता है, आज हम सीख रहे हैं, लाश भी आ रही है, ये भी आ रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने 3-4 और सामग्रियां निकाली और बैठ करके गोरोचन बनाने लगे। इनको गोरोचन बनाने का विद्या सिखाया, तो ये भी जानते थे पहले से गोरोचन बनाना, लेकिन इन्होंने बोला चलो अब गुरुजी कुछ सिखा रहे हैं, अभी लाश आने में समय है तो सीख लेते हैं इसको। और गुरुजी धीरे धीरे मंत्र बोल रहे हैं कि अब मैं बोल नहीं पाता हूँ, शरीर तो मेरा पूरा सड़ गया है, तो देखो ऐसे गोरोचन बनता है, इस मंत्र से बनता है। और फिर वो जो हिरण के छाल से बना हुआ रस्सी था उसको अभिमंत्रित करने लगे। ये सब कार्यक्रम करके उसके बाद इनको बोला जाओ दारू लेकर के आओ। ये तो गोल्डन रूल है अघोर में कि गुरु से कुछ चाहिए तो गुरु को दारू पिलाओ, ये चलता है। तो वो भाग के गए, दारू लेकर के आए कि आज तो सब साधना मिलने वाला है, अभी तक तो सुन रखा था, सामने से सब साधना देखेंगे। जब वो लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि जो लाश गाड़ी थी उसको गुरुजी ने खोद के रखा है। जंगल में थे, गए होंगे आए होंगे जो भी कथा रही, लेकिन उनके आने तक वहां पे लाश आ चुकी थी, ठीक है। और लाश के चारों कोनों में उन्होंने बांस की बत्तियां बनाकर और लाल कपड़े से घेरा कर दिया था, और उस बीच में उस लाश को लिटाए कर रखा था। तो कायाराम जी ने बोला नाथ जी को कि नाथ जी अब तैयारी शुरू करते हैं। तो नाथ जी लगे तुरंत अपना लुंगी खोल लंगोट में आ गए कि चलो अब करते हैं। तो कायाराम जी ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं साधना के लिए तैयार हूँ, हमारे यहाँ तो लंगोट में ही साधना करता है। हाँ, वो भैरव बंद बांध लिया कमर में और बोला हम तैयार है, इतना ही हमें चलता है, नादी तो हमने पहन रखी है। अरे नहीं, तुम्हें साधना नहीं करनी, तुम्हें बस देखना है कि हो क्या रहा है। तो बोला ठीक है दिखाइए। उन्होंने क्या किया कि जो सोने के सिक्के थे वो एक जो लाश थी उसके सर पर रखा, दूसरा कंठ पर रखा, तीसरा हृदय पर रखा, चौथा नाभि पे रखा, और 5वां लिंग के ऊपर रखा, मतलब थोड़ा ऊपर। और जो जो 2 सुई थी
एक उसके शास्त्र मतलब सर के ऊपर उसमें पंचर करके डाला, और एक जो रूट चक्र होता है वहां पर उन्होंने लगाया, ठीक है, और फिर उस लाश के बगल में लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने नाथ जी को बोला कि अभी जो लोहे के जितने सिक्के हैं वो उसी तरीके से तुम मेरे शरीर में रखो, और जो पतली सुइयां हैं एक मेरे सर पर और एक जो रूट चक्र में है वो तो उन्होंने खुद लगा लिया, और वो लेट गए। फिर इनको बोला कि जो हिरन का जो धागा है उससे एक इनके सुई पे बांधे, दूसरा जो लाश है उसके सर पे जो सुई लगी उस पे बांधे, और उसके बाद घुमाते हुए हर सिक्के से उसको नीचे बांध दे। इतना कार्यक्रम पूरा होने के बाद बोला गया कि दोनों के अंगूठों को साथ बांध दे, जो पैर का अंगूठा था तो दोनों के पैर के अंगूठों को साथ बांध दिया गया, और इनको बोला गया कि अब बैठ जाओ और भैरव का आह्वान करो। तो ये खप्पर लेकर के भैरव का आह्वान करने लगे, इंतजार करते रहे कि अब क्या होगा नहीं होगा। थोड़े देर बाद जो थे जो कायराम जी थे वो अचेत हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने इनको उठाने नहीं बोला था तो इनको लगा कि हो सकता है कि ये ध्यानस्थ हो गए होंगे, जो भी है, लेकिन शरीर देखने से ऐसा लग रहा था कि अब दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद जो युवा की लाश थी उसमें हरकत होने लगी। अब ये डर के उछल पड़े कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि गुरु जी का कि प्राण भी चली गई, और क्या कहते हैं जो अब एक भूत से हमारा सामना होने वाला है। धीरे धीरे हरकतें बढ़ती चली गई, एक कोने में खड़े होकर के देखते रह गए, और अचानक से जो बंधन था दोनों शरीरों के बीच में उस हिरन के धागे का, वो कटता चला गया ऐसे जैसे कि किसी ने उसको काटा हो, और ये जो लाश थी ये उठ के बैठ गई, और इन्होंने जोर से आवाज डाला, ओ नाथ जी कहाँ हो? तो ये डरते हुए आए, उन्होंने बोला कि ये मैं ही हूं, आज तुम लोग तुमको दिखाया ना पर काय प्रवेश, इतना कुछ तुमने सीखा है, ये विश्वास नहीं कर रहे। फिर उन्होंने बताया एक आध घटना अपने बारे में कि देखो अब ये शरीर पुराना हो गया था, मैं तुमको समझा रहा था कि इस शरीर से मेरा काम नहीं चल रहा था इसीलिए मुझे शरीर बदलना पड़ा, और ऐसा मैंने कई बार किया है कि मैंने अपने शरीर को बदला है। इस क्रिया के पूरा होने के बाद नाथ जी ने बताया कि जो कायाराम जी थे वो बिल्कुल ही नए शरीर के साथ आ गए, ठीक है। जैसे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने अष्ट धातु का कड़ा पहना दोनों हाथ में और दोनों पैर में, इससे जिस भी बीमारी से ये इस युवा की मौत हुई थी वो बीमारी इनमें जो है प्रवेश नहीं कर सकता था, तो वो पहन करके वो ध्यानस्थ हो गए। ध्यान से उठने के बाद जो सिक्के इनकी लाश के ऊपर थे उसको लाश समेत इन्होंने पानी में बहा दिया, और जो सिक्के इस युवा के तन पर थे उसको, वो दोनों जो सुई था सोने का उसको, और साथ में जो हिरन का छाल था उस सबको लपेट कर जो कायाराम जी थे वो निगल गए पानी के साथ, कि उसका कोई शेष अवशेष छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद उन्होंने नाथ जी को बोला, ये आप आखिरी बार मुझसे मिल रहे हैं, इस जीवन में हम नहीं मिलेंगे आप, और ऐसा बोलकर वो निकल गए। मैंने फिर पूछा नाथ जी से, तो फिर आप कभी मिले क्या उनसे? तो बोले मिले तो नहीं लेकिन देखा है, अब वो सोशल मीडिया पर एक बालक के रूप में, बालक साधु के रूप में घूमते हैं, युवा साधु के रूप में चश्मा वश्मा लगा करके फोटो है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मारन मोहन चैटन के लिए, ठीक है ना, और वो ऐसे ही अतरंगी बन करके घूम रहे हैं, किसी को नहीं ये समझ में है कि कई ऐसे जन्मों से कई शरीरों को छोड़ करके अब इस शरीर में
इतने दिन का अध्यात्म और साधना लेकर के घूम रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि कभी भी किसी साधु को मिलो तो वेशभूषा देकर मत तय करो कि वो कैसा है, वो हो सकता है कई जन्मों से कई शरीरों से इस पृथ्वी पर विचर रहा हो। आज की कथा इतना ही, इससे ये सीख मिलती है कि जो साधु और गुरुओं को हम जज कर रहे हैं वो हमारी क्षमता के बाहर है। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431885। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम या लिंक पढ़ना है वो www.tantrasa.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudrnath@cm4cert आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज मेरे बाबा आप सभी की कृपा करें ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।